नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। हनुमान चट्टी पूरे उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो कि जोशीमठ से 34 किलोमीटर की दूरी के आसपास विद्यमान है और बद्रीनाथ मंदिर उस स्थान से 12 किलोमीटर के आसपास विद्यमान है। साथ में ऋषिकेश से लगभग 286 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हनुमान चट्टी उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन प्राप्त करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बताया जाता है कि बद्रीनाथ जाने से पहले हनुमान जी के इस स्थान पर दर्शन प्राप्त करने से ही बद्रीनाथ की यात्रा सफल मानी जाती है। इसलिए बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले इस स्थान पर भगवान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करते हैं और फिर बद्रीनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। हालांकि मंदिर का कद काफी छोटा जरूर दिखाई देता है, लेकिन मंदिर की बनावट बहुत ही सुंदर है और इसके पीछे एक प्रभावशाली इतिहास भी है। बताया जाता है कि इस स्थान पर भगवान हनुमान जी ने भीम को गले लगाया था और उसके अहंकार को कुचल दिया था। काफी बड़ा इतिहास आज भी इस जगह पर छुपा हुआ है। जितने भी तीर्थयात्री बद्रीनाथ के लिए जाते हैं, उतने ही यात्री पहले इस जगह पर अपनी उपस्थिति देते हैं। हर वक्त इस स्थान पर भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। काफी कहानियां भी प्रचलित है इस मंदिर के बारे में। हालांकि एक हनुमान चट्टी यमुनेत्री धाम में भी स्थित है और जबकि दूसरा बद्रीनाथ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें कि अभी तक इस जगह पर हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। एक दंत कथा के अनुसार भीम अपनी ताकत और शक्ति के लिए प्रसिद्ध पांडव भाइयों में से एक थे। एक दिन जब भीम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़े बंदर का सामना करना पड़ा था। भीम के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के कारण उनकी पूंछ काफी फैली हुई थी। भीम ने पूंछ हटाने के लिए बूढ़े बंदर से कई बार अनुरोध किया, लेकिन बूढ़े बंदर ने यह कह दिया कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और साथ में इस वक्त काफी बहुत थक चुका है। जिसके बाद भीम काफी क्रोधित हो गए और खुद से बंदर की पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। कई प्रयास किए भीम ने उस वक्त, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अंत में भीम को आश्चर्य हुआ कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है और तुरंत भीम ने विनम्र पूर्वक बंदर से अपनी असली पहचान प्रकट करने का अनुरोध किया। काफी अनुरोध करने के बाद आखिरकार हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और भीम को भगवान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो गए। आज भी कई कहानियां प्रचलित हैं हनुमान चट्टी के बारे में।